आप सब इस वीडियो को गौर से देखें तो ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना फोकस इस प्लस पॉइंट के ऊपर 30 सेकंड तक रखना है। पहले 10 सेकंड के अंदर जो खाली गैप है उसके अंदर आपको एक ग्रीन डॉट घूमते हुए नजर आने लग जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पिन डॉट्स गायब होंगे और पूरे सकल में एक ही ग्रीन डॉट घूमता हुआ नजर आएगा। ये सारी आपकी माइंड गेम है। इस इमेज में कितने ब्लैक डॉट्स है? यदि आपने जीरो से बड़ा कोई नंबर बताया है तो आप गलत होंगे। इस इमेज में वास्तव में कोई ब्लैक डॉट्स नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो एक आंख को धके और स्क्रीन को एक कोने से देखे, वहां आपको देखने में पता चल जाएगा कि इस इमेज में कोई ब्लैक डॉट्स नहीं है। डिड दिस अमेज यू? इस इमेज में पैंथर गुलाबी होना चाहिए और पेड़ हरा होना चाहिए। रंग गड़बड़ है लेकिन मैं आपके दिमाग को उन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना फोकस इस क्रॉस पर केंद्रित करें। बस अपना ध्यान वहीं रखें और अपने आसपास की किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं इमेज को लगभग सही रंग में बदलने जा रहा हूँ और वहाँ आपको रंग बदलते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस देखते रहिए। क्या आप रंग बदलते देखने के लिए तैयार है? आइए 5 4 3 2 1। क्या अब आपको द पैंथर पिंक एंड द ट्री ग्रीन दिखा? दिस इज रियली स्कैरी। अभी स्क्रीन पर एक महिला की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है और मैं चाहता हूँ कि आप इस महिला की नाक पर फोकस करें। थोड़ी देर में मैं आपसे आपकी सीलिंग को देखने के लिए कहूँगा और तेजी से आपको अपनी पलकें झपकानी है। वहाँ आपको इस महिला की रियल इमेज दिखेगी। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है बस देखते रहो, पलकें न झपकाने का भी भरपूर प्रयास करें। अब क्या आप उस महिला को अपने कमरे के अंदर देखने के लिए तैयार है? आइए 5 4 3 2 1। अब सीलिंग की ओर देखें और पलकें झपकाना शुरू करें। क्या तुमने उस औरत को देखा? क्या ये सर्कल ओवरलैपिंग कर रहे हैं? यदि आपने हाँ कहा तो पुनः प्रयास करें। सर्कल बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है फिर इसे ध्यान से समझे। अब मैंने कुछ रेड सर्कल्स जोड़ दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि सर्कल एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। क्या इससे आपको आश्चर्य हुआ? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। इस इमेज को देखिए, आपको सेंटर में टिमटिमाते हरे डॉट को ध्यान से देखना है। आपकी आंखें बस उसी ग्रीन डॉट पर रहनी चाहिए। अब आपको पीला डॉट गायब होते दिखेगा, उसके वहां होने के बावजूद पीले डॉट्स का पता नहीं लगा पाएंगे। इस इमेज में ये क्यूब्स अपने स्थान से कहीं नहीं हिल रही, फिर भी देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह से बार बार मूव कर रही है। क्या आपको रंग दिखा? यदि आप इसे पहली बार देखेंगे तो शायद आपको काली और सफेद इमेज दिखेगी, लेकिन अगर यह आप दूसरी बार देखेंगे तो उम्मीद है आपको इसमें कलर दिखेंगे। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका ब्रेन रंग भर सकता है तो सेंटर की ओर देखें और कहीं भी किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपना ध्यान केवल सेंटर पर रखें। थोड़ी देर में वीडियो लूप हो जाएगा और वहां आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखेगी, लेकिन उसमें आप रंग देखने वाले हो। कुछ और सेकंड के लिए अब वीडियो लूप हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या आपको रंग दिखा? कौन सा स्क्वायर डार्क है, स्क्वायर ए या स्क्वायर बी? अधिकांश लोग सोचते हैं कि स्क्वायर ए स्क्वायर बी से अधिक डार्क है, लेकिन वास्तव में दोनों स्क्वायर्स एक ही रंग के हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इसे स्क्रीन पर समझे। अब मैंने दोनों स्क्वायर बार्स को जोड़ दिया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्क्वायर अ और स्क्वायर बी का बार ग्रे के समान रंग है, जिसका अर्थ है कि दोनों स्क्वायर अ स्क्वायर बी वास्तव में एक ही रंग है। यदि यह आपको आश्चर्यचकित करता है, ये इमेज आपको पूरी तरह से चौंका देगी। यहाँ एक चेहरा है और मैं चाहता हूँ कि आप बीच में फोर बिंदुओं को देखें। मैं वास्तव में इस चेहरे की रियल इमेज आपकी सीलिंग पर दिखाने जा रहा हूँ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस देखते रहिए, साथ ही पूरी कोशिश करें कि पलकें न झपकें। इसके अंत में आप अपने कमरे के अंदर किसी की इमेज देख पाएंगे। ठीक है, अब अपना ध्यान कुछ और सेकंड के लिए फोर बिंदुओं पर रखें। आइए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने रूम में कहीं भी देखें और पलकें झपकाना शुरू करें। क्या आप किसी को देख पा रहे हैं? वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और हमारे चैनल फैक्ट्स टू एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।